मोहन सरकार के गोवर्धन पूजा के आयोजन पर सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नाम एक पत्र लिखा। जीतू पटवारी ने गौ संरक्षण का मुद्दा उठाते हुए लिखा कि गोवर्धन पूजा अच्छी बात है, लेकिन गौ रक्षा के लिए भी कदम उठाने चाहिए। देखिए खास रिपोर्ट। सीएम मोहन के नाम जीतू पटवारी का पैगाम। गोवर्धन पूजा को लेकर पटवारी ने लिखा पत्र। एमपी में गोवर्धन पूजा को लेकर गरमाई सियासत। पटवारी ने पत्र में लिखा, मोहन भैया गौ संरक्षक के लिए उचित कदम उठाएं। मध्य प्रदेश में जन्माष्टमी, दशहरा और शस्त्र पूजन के बाद राज्य सरकार अब गोवर्धन पूजा का त्यौहार भी मना रही है। इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब गोवर्धन पूजा के कार्यक्रम सरकार के द्वारा आयोजित किए जा रहे हैं। प्रदेश के सभी संभाग, जिले, तहसील तथा गांवों में गौशालाओं में गोवर्धन पूजा के लिए शासकीय कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है और इसे लेकर सियासी घमासान भी मचा हुआ है। कांग्रेस ने सीएम डॉक्टर मोहन यादव के फैसले पर सवाल उठाए। प्रदेश कांग्रेस कमेटी चीफ जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने सड़कों पर घूम रही गायों की रक्षा की मांग की है। दीपावली की खूब ढेर सारी शुभकामना। गोवर्धन पूजा आज पूरा देश मना रहा है और मैं मानता हूँ कि मध्य प्रदेश के संदर्भ में मुख्यमंत्री जी ने भी गोवर्धन पूजा का आयोजन किया सरकारी तौर पे। मैं इसको पॉजिटिव लेता हूँ, नकारात्मकता नहीं है इसमें, पर केवल इवेंट के लिए गोवर्धन माता की या गाय माता की पूजा की बात करना और इवेंट मैनेजमेंट करके सरकार के पैसे का जाया करना सरकार का सिर्फ दायित्व नहीं होता है। आज मध्य प्रदेश पहला राज्य है जहाँ पे सबसे ज़्यादा असुरक्षित गाय माता है। आप ऐसा है कोई रोड, एक शहर का कोई हिस्सा या किसी भी छोटे से गांव में चले जाओ, रोड पे गाय माता एक्सीडेंट होते हुए मरती हुई मिलती है। तो मैं मानता हूँ कि अगर मुख्यमंत्री जी गौशालाओं में उनके राशन की व्यवस्था कराते, चारे की व्यवस्था कराते, जो सरकारी तौर पर मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार में उनके लिए गौशालाएँ बनाई, उसकी व्यवस्था की बात करते, व्यवस्थापन की बात करते और उसके लिए फंड अलाट करते तो असली गोवर्धन पूजा होती। तो मैं मानता हूँ कि इवेंट करना, फोटो विजुअल बनाना उनका दायित्व हो सकता है, उनकी इच्छा हो सकती है, वो करते रहें, पर ओरिजिनल में गाय माता की रक्षा सेवा कैसे होगी उस भावना को भी वो जिए, उसके लिए मैंने उनको पत्र लिखा है। दूसरा, आज अखबारों में नरेंद्र मोदी जी ने कर्नाटक को लेके ये कहा कि जो रेवड़ी पद्धति की योजनाएं थी उस पर कर्नाटक की सरकार को क्रिटिसाइज़ किया। बहुत अच्छा आदरणीय मोदी जी, पर आपको ये तो देखना ही पड़ेगा कि मोदी गारंटियां थी मध्य प्रदेश में 2700 रुपये गेहूँ मोदी गारंटी है, भरोसा रखो दूंगा। आज 11 महीने हुए नहीं दिया। फिर 3100 रुपये धान के दाम मोदी गारंटी थी, आज तक नहीं हुआ। फिर इसको भी 11 महीने हो गए। फिर मोदी जी ने यहाँ कहा था लाडली बहनों को 3000 रुपया मिलेगा, शिवराज जी ने भी कहा था, मोदी गारंटी है, उसके पर्चे हैं, तो फिर उनको मिलना थी, आज तक नहीं मिला। 450 का गैस सिलेंडर मोदी गारंटी थी, क्या हुआ उस मोदी गारंटी का? और ऐसे ही तमाम योजनाओं को लेके बातें की गई थी। 33 विभागों की योजनाएं बंद कर दी, जिसमें शिक्षा से जुड़ी हुई सारी योजनाएं, जिसमें लैपटॉप हुई, साइकिल हुई, जिसमें मेघावी छात्र हुए, ऐसी छात्रवृत्ति जो STSC OBC के संदर्भित उसमें भी कटौती कर दी गई। तो अल्टीमेटली कर्नाटक पे आरोप प्रत्यारोप मोदी जी करें, ये उनका दायित्व हो सकता है, पर मध्य प्रदेश में कौन इसका जवाब देगा? आपकी की सरकार है मध्य प्रदेश में, BJP की सरकार है, मोहन यादव आपके पर्ची के मुख्यमंत्री आए हैं, क्या हुआ इसका? इसका भी तो उत्तर देश चाहता है, मध्य प्रदेश चाहता है, मोदी जी को देना चाहिए। तो फिर से मैं सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। मैंने जो दीपावली का कार्यक्रम हम सब ने मिलके, हमारे कई पूर्व मंत्री, कई पूर्व विधायक, हमारे पार्टी के सारे सेक्टर इंचार्ज, मंडल इंचार्ज, सारे हमारे बूथ के कार्यकर्ता, सारे लोकल हमारे जितने भी इंचार्ज वहाँ पे विजयपुर में बने हैं, हमने सब ने मिल के विजयपुर में दिए जलाए और मैं मानता हूँ कि अद्भुत प्रतिसाद मिला और बुधनी और विजयपुर की जनता इस बार परिवर्तन चाहती है। जब रिजल्ट आएंगे आश्चर्यचकित रहेंगे लोग।
आए ना वो भी पूजा कर ले, उनको क्या शर्म आ रही, उनका तो वोट बैंक चला जाएगा। इसी के साथ उन्होंने कहा कि गोवर्धन पूजा करना अच्छी बात है, लेकिन सरकार गौ रक्षा की और भी कदम उठाए। केवल फोटो वीडियो से काम नहीं चलेगा, गौ संरक्षण के लिए दीर्घकालिक निर्णय लेने होंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो जीतू पटवारी ने इस खत में सीएम मोहन के गृह क्षेत्र उज्जैन के आसपास गौ माताओं के हालातों का जिक्र कर प्रदेश सरकार को आईना दिखाने की कोशिश की है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, भोपाल।